दोस्तों वापसी हो चुकी है मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की और कैमरॉन ग्रीन की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में और शुभमन गिल बनाए गए हैं गुजरात टाइटंस के नए कप्तान। लेकिन दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में वो सब चीजें सही हो चुकी है और गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया। 15 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दिया गया है मुंबई इंडियंस से। दोस्तों आप सभी को बता दें भारत के कई दिग्गजों ने कहा है कि खुद हार्दिक पांड्या ही गुजरात टाइटंस को छोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो मुंबई इंडियंस में जाना चाहते थे। पैसे की वहां बात नहीं थी, बात थी प्लेयर के मन की। इसीलिए जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर गए तो शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया। इसीलिए कई क्रिकेट के दिग्गजों को नाराजगी भी हुई क्योंकि कैमरॉन ग्रीन जिनको आरसीबी के साथ ट्रेड किया गया है उन्हें 17.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, इतने तो पाकिस्तान के पीएसएल में भी पैसे नहीं दिए जाते पूरी टीम को और यहां पर सिर्फ हार्दिक पांड्या ने ही ट्रेड के 15 करोड़ लिए हैं। कैमरॉन ग्रीन को आरसीबी के लिए ट्रेड कर दिया गया है जिसके चलते 17.5 करोड़ आरसीबी ने मुंबई को दिए, वही 15 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को दिए हार्दिक पांड्या के बदले। तो ये ट्रेड ऐसा हुआ, हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस में भेजा गया और मुंबई इंडियंस से आरसीबी में कैमरॉन ग्रीन को भेजा गया जिसके चलते पूरी डील हुई। लेकिन दोस्तों आप इस कारनामे को 10 में से कितना नंबर देंगे?